हाय बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? आज का हमारा टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसको एक्सप्लेन टीएच मॉर्गन ने किया था। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज वर्ड्स का मीनिंग देख लीजिएगा आप। जो शब्द है लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है किसी का जुड़ाव या पास पास या किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन। तो लिंकेज ये जीनों का एक प्रकार का एसोसिएशन है, और रिकॉम्बिनेशन डिफरेंशिएशन है, भिन्नता है प्रोजेनी की उसके ऑफस्प्रिंग से, उसके पेरेंटल से ऑफस्प्रिंग की डिफरेंशिएशन है, भिन्नता है। तो लिंकेज को समझाने के लिए जो टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई थी उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। और टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनके बेस पर मॉर्गन साहब ने इस फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया था। और मॉर्गन ने कई सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस इस फ्रूट फ्लाई पर किए और अपने ऑब्जर्वेशन दिए। फ्रूट फ्लाई के तीन करेक्टर्स ड्रोसोफिला का जो मेलेनोगैस्टर है, जिनकी चर्चा हम आज डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर करेंगे। रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज दोनों को समझाने के लिए दो क्रॉस, टू हाइब्रिड क्रॉसेज हम यहां पढ़ेंगे। क्रॉस वन ये है और क्रॉस टू को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तीन करेक्टर्स, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज, इन तीन करेक्टरों में से किन्हीं दो करेक्टर्स के बिटवीन क्रॉस करवाया जाता है तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। फ्रूट फ्लाई के तीन करेक्टर्स बॉडी कलर में ब्राउन एंड येलो, जो ब्राउन कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट का है, जो वाइल्ड टाइप स्पीशीज यानी नेचर में पाई जाती है। जो दूसरे अनादर ट्रेट है येलो, उस पर डोमिनेंट है। ब्राउन कलर बॉडी का येलो बॉडी कलर पर डोमिनेंट है, और ये जो इसके डोमिनेंट ट्रेट है वो वाइल्ड टाइप से है जो कि नेचर में पाए जाते हैं। अनादर आई कलर में रेड टाइप की, जो रेड आई कलर है वो डोमिनेंट है और व्हाइट कलर रिसेसिव है। सिमिलर विंग साइज, नॉर्मल जो विंग्स है वो डोमिनेंट नेचर का है, और मिनिएचर साइज के जो विंग्स है वो रिसेसिव नेचर के हैं। इंपॉर्टेंट बात, मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ था उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि किन्हीं भी इनमें से कोई भी दो करेक्टर, उनका एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर से नो कॉम्बिनेशन, किसी प्रकार का कोई संयोजन नहीं होता है, और ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इजीली सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रेट हो जाते हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं है। आप लोग देख रहे हो ये जो करेक्टर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर, इन करेक्टर्स की जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं। यहां पर मैंने ये दोनों क्रोमोसोम्स बनाए हैं, ये एक्स क्रोमोसोम्स है और इट इज वाई क्रोमोसोम्स। यहां पर भी ये बात देखने वाली है कि इन तीनों करेक्टर्स की जो जीन्स है वो ओनली एक्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड रहते हैं। बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज, तीनों की जीन्स है वो ओनली एक्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड रहते हैं, वाई क्रोमोसोम्स पर ये लोकेटेड नहीं होते हैं। बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन्स है उनकी डिस्टेंस काफी कम है। चित्र से जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो बॉडी कलर एंड आई कलर दोनों की डिस्टेंस काफी कम है, इनमें नजदीकियां काफी ज्यादा है, जबकि जो रेड आई कलर का जो जीन है वो विंग साइज से काफी दूरी पर है। इनके बिटवीन दूरी ज्यादा है और इनके बिटवीन दूरी कम है। तो यूं कह सकते हैं
कि जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो इनके बिटवीन क्या होगी, मोर होगी, और इन दोनों के बिटवीन लेस होगी। तो लिंकेज स्ट्रेंथ जो चीज पास पास होंगे उनमें लिंकेज मोर होगी, और जो दूर होंगे उनमें लिंकेज कम होगी। और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट है, अगर लिंकेज मोर है तो रिकॉम्बिनेशन लेस है। तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस नंबर 1 एक्सप्लेन करते हैं। टीएच मॉर्गन ने पहले क्रॉस में बॉडी कलर और आई कलर को एक्सप्लेन किया था, इसी का हम दूसरा क्रॉस डिस्कस करेंगे जिसमें आई कलर और विंग साइज को एक्सप्लेन करेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में देख लीजिएगा दोनों जनरेशन में येलो बॉडी और व्हाइट आई, ये दिख रहा है आप लोगों को येलो बॉडी और व्हाइट आई, ये मेल है, इट इज मेल, और दूसरा येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला ये फीमेल है, इट इज फीमेल, क्योंकि इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम से। इधर देखिएगा दूसरा जो डोमिनेंट करेक्टर है बाइल टाइप्स का, उसका ब्राउन बॉडी और रेड आई, ये फीमेल है, ये मेल है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम से और दूसरा बाई क्रोमोसोम से, क्योंकि जो मेल होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डोमिनेंट नेचर के जो जीन्स है उनको हमने प्लस लगा करके सेपरेटली डिनोट किया है, प्लस लगा हुआ है कि डोमिनेंट टाइप्स के, ये पेरेंटल हो गए, इनके बिटवीन जब क्रॉस होगा तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट का। तो फीमेल ड्रोसोफिला है उसके दोनों जीन सिमिलर है तो इसलिए ये वन टाइप्स का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि होमोजाइगस है और ये वन टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दोनों जीन्स आर सिमिलर, होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशंस में एलील्स वन टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। इधर मेल के अंदर देखिएगा दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं तो ये टू टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये टू टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, बाई प्लस डब्लू प्लस, बाई क्रोमोसोम्स पर कोई जीन उपस्थित नहीं रहता, ये गैमेट फॉर्म हो गए, देन इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, रैपन प्रोजेनी ऑक्सीडेंट होगी। देखिएगा ये सिंगल एलिप्स वाला गैमेट है, ये इससे क्रॉस होगा तो ये बनाएगा वाई वाई, और नीचे वाला वाई प्लस और डब्लू प्लस। इधर देखिएगा ये स्मॉल वाई डब्लू, और एक्स क्रोमोसोम्स पर कोई जीन्स नहीं है, नेचर लग देता है, ये एक्स क्रोमोसोम्स है, ये वाई क्रोमोसोम्स है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है। देखिएगा हमारे जो एडवन प्रोजेनी है इसका नेचर हेटेरोजाइगस है, ये ड्रोसोफिला किस नेचर की हो गई, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी रेड आई, इसका नेचर हो गया ब्राउन बॉडी रेड आई, और ये जो मेल ड्रोसोफिला है इसका नेचर हो जाएगा येलो बॉडी व्हाइट आई। एडवन प्रोजेनी अपटेंड हो गई, देन इस एडवन प्रोजेनी से एफ टू जनरेशन को अपटेंड करेंगे, ये वाला जो प्रोजेनी है हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहां पर हेटेरोजाइगस के टू पेयर है, यहां पर हेटेरोजाइगस का वन पेयर है, तो इससे हमें गैमेट्स निकालना है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसमें कितने गैमेट्स, इसमें हेटेरोजाइगस के कितने पेयर है, टू पेयर है, तो जब हेटेरोजाइगस का टू पेयर होते हैं तब गैमेट्स का नंबर कितना होता है, फोर, और देन जब हेटेरोजाइगस का वन पेयर होता है तब गैमेट्स का जो नंबर होता है वो टू होता है। इसके लिए फॉर्मूला भी है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, टू की पावर है, इसकी सहायता से हम किसी भी पेरेंट के अंदर गैमेट्स का नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक पेयर हेटेरोजाइगस का ये है और अनदर पेयर ये है, तो टू एन क्या है, यहां पर एन है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेरेंट, तो टू की पावर टू इक्वल टू फोर, तो यहां पर
जो ऑप्टेंड होंगे गैमिट्स उसका नंबर कितना होगा 4। तो इन पर गैमिट्स का नंबर ऑप्टेंड लगता है और ये चेकर बोर्ड में मैंने इनको डिनोट कर दिया है। ये वाले जो ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला है इसके गैमिट्स इधर लिखेंगे और ये टू टाइप के गैमिट बनाएंगे, इनके गैमिट्स को इधर शो करेंगे। देखिएगा इसके गैमिट्स, ये दोनों क्रोमोसोम्स है, ये एक्स क्रोमोसोम्स और ये भी एक्स क्रोमोसोम, इनके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, इन दोनों के बिटवीन जब गैमिट का फॉर्मेशन हो तब क्रॉसिंग ओवर हो, और क्रॉसिंग ओवर होता है तब जो डीएनए जो डीएनए होते हैं जीन्स होते हैं उनके सेगमेंट में अदला बदली होती है। तो एक कंडीशन तो यह है कि इनमें किसी प्रकार का कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो और सिमिलर एक सिमिलर इसी टाइप्स का हमें गैमिट ऑब्टेन हो जाए बाई डब्ल्यू। अनदर कंडीशन ये इसके साथ क्या करे, रिकॉम्बिनेशन करे, इसके साथ कौन क्रॉसिंग ओवर करें, तो बाई वाई और ये डब्ल्यू प्लस, ठीक है, इनके बिटवीन जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो गैमिट्स में डिफरेंशिएशन उत्पन्न हो जाएगा। अनादर देखिएगा नीचे वाला, ये गैमिट्स एक तो बनाएगा वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस और इसके ऊपर वाले के साथ क्रॉसिंग ओवर होगा तो वाई प्लस एंड डब्ल्यू। तो इस प्रकार से फोर गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया। इधर देखिएगा ये वाला जो प्रोजेनी है ये टू टाइप्स की गैमिट बनाएगा, सिंपल है, ये वाले जीन्स बाई क्रोमोसोम्स पर पाए नहीं जाते हैं इसलिए इनमें किसी प्रकार का कोई रिकॉम्बिनेशन किसी प्रकार का कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, बाई क्रोमोसोम्स पर जीन नहीं पाए जाते हैं, बाई क्रोमोसोम्स पर जीन नहीं पाए जाते हैं। अब सिंपली हमने जो टेस्ट क्रॉस किया था इस क्रॉस की सहायता से हम एफ टू जनरेशन की प्रोजेनी ऑब्टेन करेंगे। टोटल 8 टाइप की प्रोजेनी हमें यहां पर ऑब्टेन होने वाली है। देखिएगा क्रॉस करवाते हैं, सिंपली इसको पहले इससे करवा देते हैं, तो यहां पर ये जीन वाई डब्ल्यू, इसके भी जो जीन्स है वो वाई डब्ल्यू, यानी ये हो गया हमारा रिसेसिव नेचर का येलो बॉडी व्हाइट आई, इसका जो नेचर हो गया वो हो गया येलो बॉडी व्हाइट आई। दूसरा देखिएगा वाई डब्ल्यू प्लस और ऊपर वाले का वाई डब्ल्यू, यहां पर देखिएगा ये होमोजाइगस कंडीशन है, बाई वाली जो कि किसकी है बॉडी कलर की, यानी बॉडी कलर कैसा हो गया इसका, बॉडी कलर हो गया हमारा येलो और ये बॉडी कलर हो गया येलो और आई का कलर कैसा हो गया रेड। इधर देखिएगा दोनों पर प्लस है यानी डोमिनेंट नेचर के हैं, बाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये वाला जीन है ये वाई और डब्ल्यू, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ब्राउन बॉडी रेड आई। अनादर देखिएगा बाई प्लस डब्ल्यू और इसके दोनों बाई डब्ल्यू, एक हेटेरोजाइगस और दूसरा होमोजाइगस, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। तो ये फीमेल ऑब्टेंड हो गई जिसमें से दो तो 100% किसके टाइप से है, पेरेंटल टाइप से, ये वाली और ये वाली फीमेल दोनों का जो किसके टाइप से 100% पेरेंटल टाइप से, इनका बाई क्रोमोसोम्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तो बाई वाले क्रोमोसोम्स पर तो कोई जीन लोकेटेड होते ही नहीं है तो सिंपली हम एक्स क्रोमोसोम्स के जीन लोकेटेड कर देते हैं वाई डब्ल्यू। तो ये हो गया येलो बॉडी व्हाइट आई, अनादर बाई डब्ल्यू येलो बॉडी रेड आई, अनादर बाई प्लस
डब्ल्यू प्लस, ये हुआ है ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी रेड। नीचे वाला देखिएगा बाई प्लस डब्ल्यू, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। तो ये एप्लीकेशन की एट टाइप्स की, कितने टाइप्स की, एट टाइप्स की कंडीशन हमें ऑब्टेंड हो गई है। तो इन एट टाइप की जो जनरेशन हमें ऑब्टेंड हुई, इसमें बाद में रिकॉम्बिनेंट्स की संख्या के बेस पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया गया था, जिसका मान निकला था 1.3%। यानी जो बॉडी कलर और आई शेप, बॉडी कलर और आई कलर के करेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया, तो F2 प्रोजेनी में जो एक टाइप की प्रोजेनी ऑब्टेंड हुई उनमें रिकॉम्बिनेशन नेचर की, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की जो जनरेशन हमें ऑब्टेंड हुई उनका रेशियो कितना था, 1.3%। इट इज नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल। ये क्या है, नॉन पेरेंटल। इसके 100 में से माइनस कर देंगे तो 98.7% ये पेरेंटल या लिंकेज, जिसको हम कहेंगे लिंकेज। तो इस क्रॉस को देखने पर हमें ये एक्सप्लेन हुआ कि अगर कोई जीन पास पास लोकेटेड है तो उनकी जो प्रोजेनी है उसमें पेरेंटल टाइप की प्रोजेनी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और नॉन पेरेंटल प्रोजेनी मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। जैसे कि हमने ड्रोसोफिला के बॉडी कलर और आई कलर में देखा है, इनके दोनों के जीन पास पास रहते हैं, इसलिए इनका जो पेरेंटल टाइप प्रोजेनी है उसके मिलने की संभावना, उसका मिलने का जो रेशियो 98.7% है। और सेग्रीगेट यानी सेपरेट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नॉन पेरेंटल करेक्टर वाली जो प्रोजेनी है उसका जो रेशियो आया वो 1.3% रेशियो आता है। तो ये क्लियर कट किसका अपवाद हो गया, मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का। जो ये कहता था वो नियम कि कोई भी अगर दो जीन है, कोई भी दो करेक्टर्स है, वो अगर किसी प्रोजेनी में पास पास रहते हैं, जैसे कि यहां पर थे एपेरेंट प्रोजेनी में, उनका किसी प्रकार की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई उनमें मिक्सचर नहीं होता है, और F2 जनरेशन के दौरान वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। उस नियम को खारिज करने के लिए टी एच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस किए, और अपने रिजल्ट विद प्रूफ एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया था कि मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है वो सभी एनिमल्स पर पूरी तरह से प्रूव्ड नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट हमें इसी बात को शो करता है कि यहां पर जो नॉन पेरेंटल स्पीसीज है वो ओनली कितने परसेंट है, 1.3%। तो ये दो करेक्टर के बिटवीन था। इसी में हम अगला जो क्रॉस पढ़ेंगे वो आई कलर और विंग साइज का पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वहां पर ये जो नॉन पेरेंटल रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे। बच्चों अभी हमने क्रॉस ए डिस्कशन किया था जिसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1.3% ऑब्टेंड की थी, और उसके जो करेक्टर थे बॉडी कलर और आई कलर था। अब क्रॉस सेकंड में हम अनादर टू करेक्टर्स की स्टडी करेंगे, आई कलर एंड विंग साइज। टी एच मॉर्गन ने जो दूसरा क्रॉस था उसमें आई कलर और विंग साइज को लेकर के एक्सप्लेन करके बताया था कि जो जीन्स की डिस्टेंस है अगर वो पास है तो लिंकेज मोर होगा, और अगर मोर है तो लिंकेज लेस होगा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखेंगे कि आई कलर और विंग साइज, यहां पर जो लिंकेज की वैल्यू है वो कम ऑब्टेंड होगी और रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू मोर ऑब्टेंड होगी। सिमिलर आई कलर रेड डोमिनेंट है और विंग साइज में जो नॉर्मल विंग साइज है, पंख की जो नॉर्मल साइज है वो डोमिनेंट नेचर की है। डोमिनेंट नेचर को वाइल्ड टाइप भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर वाइल्ड टाइप लिख रहा है या डोमिनेंट लिख रहा है, डोमिनेंट लिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं,
बट अगर बाइल्ड टाइप लिख रहा है तो इट मीन्स आप समझिए समझ जाइएगा कि ये डोमिनेंट जो करेक्टर है उसको शो कर रहे हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन दो ड्रोसोफिला को लेकर के हम क्रॉस को एक्सप्लेन करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसको टीएच मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया था, क्रॉस ये टू बी वाला है, ए वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वही फीमेल जिसको रिसेसिव नेचर की है, यानी कलर जो आई का है वो व्हाइट है, और विंग साइज कैसी है, मिनिएचर। विंग साइज कैसी है, मिनिएचर है। दूसरी जो मेल ड्रोसोफिला है वो बाइल्ड नेचर की है और रेड आई और नॉर्मल विंग साइज है। यानी दो कलर के बिटवीन क्रॉस करवाने पर F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन में ये किस प्रकार से शो होती है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये फीमेल होमोजाइगस कंडीशन है, सिमिलर वन टाइप के गैमेट बनाएगी WM। नेचर एक्स है, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं, ये करेक्टर एक्स क्रोमोसोम से पाए जाते हैं, इसलिए हमने यहां पर क्रोमोसोम्स को डिनोट किया है। मेल के अंदर ये हेटेरोजाइगस है, इसलिए टू टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब इन जो गैमेट्स है इनसे F1 प्रोजेनी ऑब्टेन होगी, इन गैमेट्स से F1 प्रोजेनी ऑब्टेन होगी। ये हम F1 प्रोजेनी को ऑब्टेन कर लेते हैं, इस पर देखिएगा। और अंतर आप लोगों को अच्छी से जीन का समझ में आ रहा होगा कि जो रेड कलर आई कलर है और विंग साइज है उनके जीन्स काफी दूरी पर है। पहला वाला जो क्रॉस हमने डिस्कशन किया था उसके दोनों के जीन पास पास थे, इसी के कारण यहां पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ये W और M, इधर W प्लस और M प्लस। इट मीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में रेड आई एंड नॉर्मल विंग साइज कि ये फीमेल ऑप्टेंड होगी F1 प्रोजेनी में। दूसरी वाली ये इसका एससी करवाएंगे तो WM, यानी ये हो गई व्हाइट आई और मिनिएचर विंग साइज। ये F1 प्रोजेनी ऑप्टेंड हो गई। अब F1 प्रोजेनी में ये फीमेल है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये फोर टाइप से गैमेट प्रोड्यूस करेगी। ये सभी गैमेट्स चार टाइप्स हो गए, 1, 2, 3 और 4। ये भी हेटेरोजाइगस है और ये टू टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करेगी। गैमेट्स को इंडिकेट कर लेते हैं, एक तो सिमिलर एक्स क्रोमोसोम, ऊपर वाले एक्स क्रोमोसोम्स के सिमिलर होगा WM, और ये नीचे वाले से जब क्रॉसिंग ओवर करेगा तो W और M प्लस। इसी प्रकार से नीचे वाला है, एक तो सिमिलर एक्स क्रोमोसोम्स के सिमिलर होगा और जब ये ऊपर वाले से क्रॉसिंग ओवर करेगा तो W प्लस और M। इसमें भी देख लीजिएगा WM। बाई क्रोमोसोम्स पर कोई जीन लोकेटेड नहीं होते हैं, इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें F2 प्रोजेनी ऑप्टेंड हो जाएगी। इसका क्रॉस इससे करवाते हैं तो ये जो प्रोजेनी होगी WM। इट मीन क्या कह सकते हैं हम, किसकी जो आई का कलर है वो कैसा है, व्हाइट। आई का कलर व्हाइट है और विंग साइज कैसी है, विंग साइज है इसकी मिनिएचर। विंग साइज कैसी है इसकी, मिनिएचर। गैमेट बना रहे थे हम, ये फर्स्ट गैमेट है, जब इस गैमेट के साथ कंबाइन होगा तो ये व्हाइट आई कलर और मिनिएचर विंग साइज की प्रोजेनी मिलेगी। अनादर WM प्लस,
और ये ऊपर वाले हैं W और N। ये वाला जो गैमेट है वो इसके साथ क्रॉस हुआ, तो W यानी जो आई कलर है वो रिसेसिव नेचर की है और बिग साइज है ये हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट नेचर शो करेगा, तो इसका आई का कलर व्हाइट हो गया, आई कलर व्हाइट और जो बिल साइज होगी वो नॉर्मल। बिल साइज कैसी होगी इस प्रोजेनी की? नॉर्मल। अनादर गैमेट इसमें दोनों जीन डोमिनेंट नेचर को शो करेंगे, इस गैमेट के W और M हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी ये जो प्रोजेनी होगी इसकी आई का कलर रेड होगा और जो विंग साइज है वो नॉर्मल होगी। ठीक है, इसमें देखते हैं W प्लस M, नीचे वाला जो क्रोमोसोम्स है या गैमेट है W M, तो हमें प्रोजेनी में दिख रहा है कि ये जो आई कलर है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस यानी रेड, और विंग साइज कैसी ऑब्टेंड होगी, मिनिएचर मिनिएचर। तो ये फोर टाइप्स की फीमेल फ्रूट फ्लाई ऑब्टेंड हुई, जिसमें हमने देखा था कि ये वाली जो प्रोजेनी है उसकी आई का कलर व्हाइट और मिनिएचर बिंग साइज है, ये वाली है ये व्हाइट आई कलर व्हाइट है और नॉर्मल बिंग साइज है, ये वाली रेड कलर की इसकी आई है और नॉर्मल बिंग साइज, यानी बाइल्ड टाइप्स हो गया। ये कौन सा टाइप्स हो गया? बाइल्ड टाइप। इन गैमेट्स का इस गैमेट के साथ कॉम्बिनेशन करवाते हैं, तो W N, तो ये जो हमारी प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, व्हाइट आई वाली, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग साइज। अनादर W और N, बाइपर तो कोई जीन्स होते नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखे हैं, आई का कलर व्हाइट और विंग साइज मिनिएचर। अनादर दोनों जीन्स डोमिनेंट वाले हैं, इट मींस की बाइल्ड टाइप्स होगी, यानी रेड कलर, आई का कलर रेड और विंग साइज नॉर्मल। अनादर W प्लस और M, तो इसमें आई का कलर डोमिनेंट नेचर शो करेगा, तो इट मींस जो ड्रोसोफिला होगी उसके आई का कलर रेड होगा और विंग साइज मिनिएचर होगी। तो ये हम देख रहे हैं कि टोटल एट टाइप की प्रोजेनी हमें ऑब्टेंड हुई प्रोजेनी F2 जनरेशन में, जबकि मेंडल का जो डाई हाइब्रिड असॉर्टमेंट लॉ था या डाई हाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, उसके अंदर जो रेशो ऑब्टेंड होता था 9:3:3:1, ये रेशो ऑब्टेंड होता था और इससे शो होता था कि हमें फोर टाइप्स फीनोटाइप वाली प्रोजेनी ऑब्टेंड होती थी, बट यहां पर बिल्कुल चेंज है, जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है उससे चेंज रेशो यहां पर ऑब्टेंड हुआ है, यहां पर टोटल 8 फिनोटाइप वाली प्रोजेनी ऑब्टेंड हो रही है और इनका जो रेशो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, यानी पेरेंटल टाइप से डिफरेंट नॉन पेरेंटल, वो रेशो है 37.2% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और लिंकेज की जो वैल्यू आएगी यानी पेरेंटल टाइप की प्रोजेनी कितनी होगी, 100% माइनस कर देंगे तो 62.8%। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि जो क्रॉस ए था वहां पर रिकॉम्बिनेंट्स का जो परसेंटेज है वो काफी कम ऑब्टेंड हुआ था, और उसका कारण मैंने आप लोगों को बताया था
कि वो जो दोनों करेक्टर थे वो एक्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड थे, उनकी डिस्टेंस काफी कम थी, इसलिए हमें क्रॉस ए में जो रिकॉम्बिनेंट रेशो ऑब्टेंड हुआ था, रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी का, वो 1.3% था। और यहाँ पर आई कलर और बिंग साइड इनकी डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण मोर डिस्टेंस है, इसलिए इनमें सेग्रेशन उसके बजाय तो मोर हुआ क्रॉस ए के बजाय, बट यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो उससे हमें मोर ऑब्टेंड हुई। यहाँ पर पेरेंटल जो टैप्स थे उनसे डिफरेंट टाइप की नॉन पेरेंटल प्रोजेनी ऑब्टेंड होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी का रेशो है 37.2%। तो ये रेशो बिल्कुल डाइहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने दिया था उसके F2 जनरेशन में 9:3:1 उससे बिल्कुल डिफरेंट ऑब्टेंड हुआ, अलग अलग टाइप का। तो इन दोनों क्रॉसों की सहायता से टी एच मॉर्गन ने यह समझाने की कोशिश की कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल अपोजिट है। लिंकेज ये जीन का एक प्रकार का एसोसिएशन है जिसमें पेरेंटल करेक्टर्स को शो करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि जो रिकॉम्बिनेशन है रिकॉम्बिनेशन के अंदर नॉन पेरेंटल प्रोजेनी को शो किया जाता है, यानी ये नॉन पेरेंटल जीन्स का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है रिकॉम्बिनेशन। तो जीन्स की डिस्टेंस डायरेक्टली इफेक्ट करती है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को, अगर जीन्स के बिटवीन दोनों जीन्सों के बिटवीन डिस्टेंस कम है तो उससे लिंकेज की वैल्यू मोर हो जाएगी बट रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर दोनों जीनों के बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर लिंकेज की वैल्यू तो कम हो जाएगी लेकिन किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, रिकॉम्बिनेशन की। तो इन दोनों क्रॉसों की सहायता से टीएच मॉर्गन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म को समझाया और उन्होंने बताया था कि जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है वो सभी पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है, फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है उस पर उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करके ये बता दिया था कि जो F2 प्रोजेनी है उसके अंदर कुछ जीन्स बिल्कुल सेपरेट नहीं होते हैं और वो जनरेशंस में साथ साथ रहते हैं, कई जनरेशंस तक साथ साथ रहते हैं, जिससे नॉन पेरेंटल टाइप्स की प्रोजेनी ऑब्टेंड का रेशो है वो F2 जनरेशन के मेंडल रेशो से डिफरेंट प्राप्त होता है। जो टीएच मॉर्गन थे उनका ये एक्सपेरिमेंट था बच्चों, वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे। थैंक्स।